वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है ड्रेस डिजाइनर खैरुन और मेरा एक और भी चैनल है जिसका नाम है कुछ हटके खैरुन। तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो आज हम बनाएंगे कट वर्क। तो कट वर्क में आपको क्या करना है, कोई भी डिज़ाइन का शेप आपको बना लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो हमने ऐसा सर्कल शेप, मैंने सर्कल शेप ड्रॉ कर लिया है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेन में ऐसा थ्रेड डालना है और सिंगल साइड नॉट करना है, फिर हमें चेन बनाना स्टार्ट करना है इस पर। आपको ऐसे पूरा चेन बना लेना है इसी को, जो आपको इस राउंड है, सर्कल है, इसके ऊपर ऐसा पूरा आपको ये जो ड्रॉ करा हुआ है इस पर आपको पूरा चेन बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं चेन बना रही हूँ। आप जो भी शेप का बनाएंगे आपको उसी के ऊपर उसको ऐसा आपको ऐसा ड्रॉ करना है। ड्रॉ पे आपको ऐसा चेन बना लेना है। तो ऐसे पूरा चेन को ऐसे ड्रॉ को चेन को पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। आपको ऐसे ड्रॉ को पूरा कंप्लीट करना है, आपको ऐसा चेन बना लेना है। फिर मैंने चेन बना लिया है, फिर आपको उसको ऐसे सीजर से ऐसा पूरा कट करना है। यहाँ से ऐसा सीजर से आपको पूरा अंदर पूरा कट करना है। तो मैं आपको कट करती हूँ, इसको कट करके बताती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे सीजर से पूरा ऐसा कट कर लिया है। फिर आपको क्या करना है कि आपने जहाँ से चेन बनाया था वहीं से आपको ऐसे यहाँ से पीछे से ऐसा लेना है और फिर आपको ऐसे आगे जाके यहाँ से ऐसे कपड़े के इधर से आके आपको ऐसे चेन बनाना है। चेन स्टिच करते हैं ना, बस आपको वही चेन ही स्टिच करना है। बस ऐसे कपड़े के ऐसे ऊपर से जाना है नीचे, फिर से अंदर से ऐसे ऊपर आना है। तो आप देख सकते हैं, फिर ऐसे आपको एकदम टच करके एकदम बाजू से ऐसे ही करते जाना है। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमें ऐसे पीछे से चेन के ऐसे या नीचे से ऐसे चेन को ऐसे घुमाते जाना है। बहुत ही इजी है, एम्ब्रॉयडरी की जो डिज़ाइन होती है वो बहुत ही इजी, अगर हम प्रैक्टिस कर ले तो और भी अच्छी बन जाती है। आप देख सकते हैं, आप जितना डिज़ाइन करते रहेंगे आपका हाथ है वो साफ़ होते जाएगा, मीन्स आपकी डिज़ाइन और भी मतलब आपके हाथों से अच्छी बनती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बस हमें ऐसे यही शेप में ऐसे राउंड करते हुए जाते जाना है। मैं कैमरा बीच में रखती हूँ, फिर ऐसे हाथ से करती हूँ तो मुझे जमता नहीं, क्योंकि मेरा कैमरा बीच में होता है, मुझे वीडियो शूट करना होता है तो मुझे जमता नहीं है, इसलिए थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम होती है करने में। बस आपको ऐसी पूरा जो शेप में है पूरा राउंड आपको जाते रहना है। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे जो भी शेप का बनाएं बस आपको ऐसे ही स्टिच करते जाना है। इसमें बस चेन जो हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है ज़्यादातर चेन स्टिच से रिलेटेड होती है, जैसे हो गया लेजी रेजी, फिर ये कट वर्क में भी आप देख सकते हैं, फिर बटन होल स्टिच में भी लगभग चेन स्टिच की जैसे स्टेप है। ऐसे
ऐसी बहुत सी डिज़ाइन है जो चेन स्टिच से रिलेटेड है इसमें, हैंड एम्ब्रॉयडरी में। और आरी वर्क में भी आपने अगर चेन स्टिच सीख लिया तो मीन्स बहुत ज़्यादा आपने आरी वर्क का समझो सीख लिया, पर जो उसकी सुई होती है आरी वर्क की, उसको पकड़ने का तरीका अलग है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसको कैसे पकड़ना है। आप क्रोशिए की सुई से भी आरी वर्क कर सकते हैं, और एक आरी वर्क की स्पेशल अलग सुई भी आती है, आप उससे भी कर सकते हैं, आप क्रोशिए की सुई से भी कर सकते हैं। तो बेस्ट रहेगा कि आप आरी वर्क की सुई यूज़ करें। तो उसको जो पकड़ने का जो ट्रिक होता है, जैसे फटाफट आपको अगर करना है जैसे, तो मैं आप लोग को वो उसकी ट्रिक और आरी वर्क कैसे करते हैं वो भी बताऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा कट वर्क कंप्लीट होते जा रहा है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे हाथ में जैसे कैमरा बीच में होता है तो मुझे नहीं जमता है ये बनाने में, तो मुझे तो वीडियो बनाना ही है, तो मैं ये तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा कटवर्क रेडी होने आया है। फिर आपको ऐसे पीछे नॉट मार लेना है। तो ये आपका कटवर्क रेडी है, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।